दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट को घटा दिया है, 16.5% वैट की कटौती की गई है। डीजल में 8.36 रुपए की कटौती हुई है और ये सीधे तौर पर दिल्ली वासियों को बड़ी राहत देगा फैसला, क्योंकि लोग लगातार ये बात उठा रहे थे और मांग कर रहे थे कि डीजल पेट्रोल के दाम कम किए जाएं, लेकिन डीजल पर दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली में डीजल पर 16.5% वैट की कटौती करते हुए सीधे 8.36 रुपए कम कर दिए हैं डीजल के दाम। तो कहीं ना कहीं लोग इस फैसले का स्वागत करेंगे कि इस महंगाई के समय में जब लोगों के पास कोरोना काल में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और डीजल जो है लगातार महंगा होता जा रहा है, और ऐसे में इस बीच दिल्ली सरकार का इस तरीके से फैसला ले लेना लोगों की राहत के लिए, लोगों की परेशानियों को देखते हुए, तो ये बड़ी राहत देगा दिल्ली वासियों को। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इस खबर पर मेरे सहयोगी विनय सिंह जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विनय, ये दिल्ली सरकार का बड़ा और राहत भरा फैसला है दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि कोरोना काल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए एक कदम उठाया है। दरअसल दिल्ली में अब तक जो डीजल है, और कह रहे थे कि इतिहास में पहली बार हुआ डीजल का रेट भारत में इतना बढ़ गया, तो दिल्ली में भी लगभग 30% वैट कम कर दिया गया है, और अब 16.5% वैट के हिसाब से जो डीजल अब तक 82 रुपए मिल रहा था वो 8.36 रुपए कम होकर 73.64 रुपए के हिसाब से मिलेगा। इससे कई लोगों को जो गाड़ी चला रहे हैं उनको तो फायदा होगा, हुआ कई इंडस्ट्रियलिस्ट को इसमें बहुत बड़ा फायदा हुआ, और दिल्ली की अर्थव्यवस्था जो कि फाइनेंशियल कोरोना काल में काफी नीचे आ गई थी, तो उसको फिर से एक बार पटरी पे लाने के लिए दिल्ली सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है। जी विनय, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि लोग आपने देखा था कि लगातार अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे थे कि कोरोना काल में हमारे पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, और ऐसे में डीजल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, और ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि राहत मिलेगी, लेकिन डीजल के दाम बढ़ना यानी कि सब चीजों का महंगा हो जाना, इस बीच ये यकीनन बहुत बड़ी खबर है, राहत भरी खबर है, और लोग इसका स्वागत भी करेंगे। बिल्कुल, इसका स्वागत करेंगे, साथ में लोगों में इस समय जो अरविंद केजरीवाल डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस समय जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं उस समय वो इस चीज का ऐलान कर रहे हैं कि वैट जो है वो 30% कम कर रहे हैं। तो कोई राज्य पहली बार होगा कि देश में कोई राज्य या राजधानी दिल्ली में कि 30% वैट कम करके 16.5% कर दिया गया हो और डीजल के रेट एकदम से इतने कर दिए गए हों, तो ये बहुत बड़ी खबर है। और इसके साथ साथ जो रोजगार की जो बात हो रही थी, जो कोरोना काल में लोग चले गए थे अपने गांव में, प्रवासी मजदूर गए चले गए थे, या और भी कई लोग थे जो अपने गांव में चले गए थे, अभी तक वो वापस नहीं आए हैं, थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुए हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने रोजगार पोर्टल जो दिल्ली में शुरू किया है उसमें भी बहुत बड़ी बात है, लाखों लोगों ने उसमें हिट किया है, और कई जो नियोक्ता है जो रोजगार देने वाले हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने भी उसमें हिट किया है। तो यानी कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी कोशिश है, और आगे आगे देखिए कि इसमें कितना बड़ा फायदा मिलता है और इसका क्या अंजाम रहता है। विनय सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए।